इस्टूडेंट्स होप यू विल बी फाइन द टॉपिक फॉर टूडे डिस्कशन इज डिफ्रेंशियल कोडिंग ऑफ ऑडियो हमने पल्स कोड मॉडुलेशन देखा ऑडियो में इस्पीच रिकग्निशन हमने वहाँ पर किया और हमने पल्स कोड मॉडुलेशन इन स्पीच में सबसे पहले एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन दैन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन मीन्स फर्स्ट वी आर डूइंग एन कोडिंग then वी आर डूइंग द डिकोडिंग Now स्टूडेंट्स देखिए जितना भी हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन होता है उसमें हमारे पास में एक डिफरेंशियल कोडिंग टेक्निक होती है देखिए बेसिकली इसका जो पर्पस है वो ये है कि आपको अन देखिए स्टूडेंट अनएम्बिगस सिग्नल से हमारा बेसिकली मतलब ये है आपने देखा कि जब हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन को परफॉर्म करते हैं स्पीच रिकोगशन में तो वहाँ वहाँ पर हमें हायर फ्रिक्वेंसीज़ देखने को मिलती हैं इन हायर फ्रिक्वेंसीज को सबसे पहले हमें फिल्ट्रेशन करना होता है देन वी विल गेट अवर ओरिजिनल साउंड मीन्स कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर अगर हायर फ्रिक्वेंसीज मिलेंगी तो हमारा जो भी डाटा है वो करप्ट हो सकता है मीन्स हमें वहाँ पे एम्बिगटी देखने को मिल सकती है तो हमारे पास जो भी सिग्नल आने चाहिए वो गुड फॉर्म में आने चाहिए मीन्स अनएम्बिगुअस सिग्नल मिलने चाहिए स्टूडेंट्स हम डिफरेंशियल कोडिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर जो डेटा होता है उसको ट्रांसमिट किया जाता है इट मेक्स डेटा टू बी ट्रांसमिटेड टू डिपेंड नॉट ओनली ऑन द करंट सिग्नल स्टेट और सिंबल बट ऑल्सो ऑन द प्रीवियस वन इट मीन्स यहाँ पे जो सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाएगा वो सिग्नल आपका करंट सिग्नल पे डिपेंड नहीं करेगा जो प्रीवियस सिग्नल है उसकी आउटपुट वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा मीन्स दोनों सिग्नल को कंसिडर किया जाता है और उनका एवरेज निकाल के हमारे पास में पर्टिकुलर सिग्नल आता है जिसको कि नेक्स्ट स्टेज के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है नाउ स्टूडेंट्स अब जो हमारी डिफरेंशियल कोडिंग है उसका बेसिकली पर्पस क्या है देखिए जब भी हमारा डाटा मीन्स जो हमारा वॉइस है जो हमारा ऑडियो है जो हमारा स्पीच है जब भी ट्रांसमिट होता है ट्विस्टेड पेयर केबल्स में वायर्स में तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें कुछ इंजर्शन देखने को मिलता है कहीं कहीं हाफ़ ट्विस्ट आ गया कहीं पे केवल में कोई बेंडिंग आ गई तो मीन्स हमें एक एक्स्ट्रा हाफ ट्विस्ट देखने को मिलेगा ट्रांसमिटर और रिसीवर के बीच में और जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं सिग्नल्स के बीच में हमें इन्वर्जन देखने को मिलता है मीन्स सिग्नल हमें इन्वर्टेड फॉर्म में मिलते हैं स्टूडेंट्स डिफरेंशियल कोडिंग का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि जो भी हमारे पास में सिग्नल आ रहे हैं उनके बीच में इन्वर्सन ना हो हमें इन्वर्टेड सिग्नल्स ना मिले आपने देखा होगा नॉर्मली अगर आप कभी कभी कॉल करें आ, किसी अपने दूसरे नंबर पे तो आपको वॉइस रिटर्निंग मिलती है इसका बेसिकली मतलब क्या है कि इन बिटवीन कहीं ना कहीं ट्रांसमिट और रिसीवर के बीच में जो सिग्नल है वो हाफ ट्विस्ट हो रहा है केवल आपका हाफ ट्विस्ट हो रहा है जिसकी वजह से क्या होता है कि सिग्नल इन्वर्टेड इन्वर्जन फॉर्म में आपको साउंड सुनाई देती है नाउ स्टूडेंट्स अब जो डिफरेंशियल एंग कोडिंग है वो प्रिवेंट करती है सिग्नल के इन्वर्जन को उनके सिम्बल्स को और कहीं ना कहीं इससे डेटा भी आपका थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक एक्साइज वेरिएबल लेते हैं एक सिंबल लेते हैं जो कि ये दिखाएगा कि हमारे पास में ये बिट है जिसको कि हमने इंटेंड किया है ट्रांसमिशन के लिए मींस इस बिट की हेल्प से हम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे इसके बाद में वाई आई माइनस वन ये हमारा वो सिग्नल है जिसको कि हम बिल्कुल अभी ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स अब यहाँ पे बाइनरी मॉड्यूलेशन होता है मींस एडिशन होता है अगर हम वाई आई की बात करेंगे तो वाई आई इज़ इक्वल टू वाई आई माइनस वन बाइनरी मॉड्यूलेशन और एक्स आई मीन्स हमने यहाँ पे प्रीवियस बिट को भी कंसिडर किया तो ये तो हमारी एनकोडिंग हो गई नाउ स्टूडेंट्स जब हम इसको डिकोड करेंगे देखिए डिकोड करेंगे तो सीधी सी बात है कि हमें यहाँ पे जो हमारी वाई आई है मीन्स जो हमारी एंकोडेड फॉर्म है उसमें से हम जिस सिंबल को हम ट्रांसमिटेड कर चुके हैं उस सिग्नल को क्या कर देंगे इसमें बाइनरी मॉडुलेशन कर देंगे स्टूडेंट्स इसके बाद में यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि एक्स आई डिपेंड ओनली ऑन ए डिफरेंस बिटवीन द सिंबल्स वाई आई एंड वाई आई माइनस वन एंड नॉट देयर वैल्यूज़ यहाँ पर जो एक्स आई की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है इन दोनों के डिफरेंस के बीच में देखिए यहाँ पे बाइनरी सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे बाइनरी एडिशन हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है डिफरेंशियल कोडिंग है देखिए डिफरेंशियल कोडिंग का बेसिकली मतलब ये है कि यहाँ पे हम डिफरेंसेस को मेजर करते हैं कि दोनों सिग्नल्स के बीच में क्या डिफरेंस आया वो सिग्नल जिसको कि आप ट्रांसमिट करना चाहते हो और प्रीवियस सिग्नल वैल्यू क्या थी नाउ स्टूडेंट्स इट मीन्स वी कैन सी डैट द एक्स आई डिपेंड्स ओनली ऑन ए डिफरेंस बिटवीन द सिम्बल्स वाई आई एंड वाई आई माइनस वन एंड नॉट देयर वैल्यूज एक्स आई की जो वैल्यू है वो वाई आई वाई आई माइनस वन के डिफरेंस पर डिपेंड करती है ना कि उनकी वैल्यूज़ पर नाउ स्टूडेंट्स अब हम एक डिफरेंशियल uh, कोडिंग और इसी को हम डिफरेंशियल कोडिंग कहते हैं सो so, इट इज सो नोन एज डिफरेंशियल कोडिंग मीन्स यहाँ पे डिफरेंसेस लेना है आपको करंट सिग्नल और प्रीवियस सिग्नल के बीच का नाउ स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास में डिफरेंशियल एंकोडर होता है जिसमें कि आपको मैंने बताया था कि आप जिस वैल्यू को भी कंसीडर करते हैं फॉर एग्जांपल वाई आई वैल्यू मेरे पास में थी तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे एक्स आई प्लस वाई आई माइनस वन कर रहे थे और यहाँ पे जब हम इसको डिकोड करेंगे तो हम एक्स आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वाई आई का मॉडुलेशन कर देंगे वाई आई माइनस वन से मींस यहां पर हमने क्या कर दिया डिफरेंस कर दिया नाउ स्टूडेंट्स ए डिफरेंशियल एंकोडर प्रोवाइड द फॉलोइंग ऑपरेशन इट इज सिमिलर टू एन एनालॉग इंटीग्रेटर इट हैज एन इम्पल्स रिस्पॉन्स देखिए जो डिफरेंशियल एंकोडर होता है वो आपको बाइनरी मॉडुलेशन मीन्स वहाँ पर हम बाइनरी एडिशन को परफॉर्म करेंगे वो ऑपरेशन हमें प्रोवाइड करता है ये बिल्कुल एनालॉग इंटीग्रेटर की तरह होता है मीन्स यहाँ पर हम एनालॉग सिग्नल्स को इंटीग्रेट कर देते हैं और यहाँ पर कुछ आपको नोमेरिकल वैल्यू दी फंक्शन आपको दे रखा है जिसके बेसिस पे यहाँ पर कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है स्टूडेंट्स एच के जो है हमारे पास में वन है इट मीन्स के की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन जीरो आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स है नाउ इफ़ के इज़ लेस देन ज़ीरो दैन इसकी वैल्यू क्या होगी ज़ीरो तो यहाँ पर एक ट्रांसफर फंक्शन भी होता है जिसमें वन अपॉन वन माइनस जेड माइनस जेड की पावर माइनस वन देखिए ये जो बेसिकली है ये हमारा फ्रिक्वेंसी को रिफ़्लैक्ट करता है इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास में डिफरेंशियल डिकोडर होता है डिफरेंशियल डिकोडर जो है वो आपका एनालॉग डिफ्रेंशियटर है जैसे इंटीग्रेटर में आपने किया था सारे के सारे जितने भी सिग्नल्स थे हमारे एनालॉग उनको आपने क्या कर दिया था इंटीग्रेट कर दिया था मींस वहाँ पे हमने प्लस ऑपरेशन परफॉर्म किया था और जो डिफरेंशियल डिकोडर है इसमें हम क्या कर रहे हैं डिफरेंस ले रहे हैं और इसका जो इम्पल्स रेट होता है उसकी हमारे पास में तीन वैल्यूज़ होती हैं इन कंपैरिजन टू डिफरेंशियल एनकोडर डिफरेंशियल एनकोडर में जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसमें अगर इसकी वैल्यू वन है तो इसका मीन्स क्या है के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब क्या है के इज़ लेस देन ज़ीरो है और जो हमारे पास में ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है वो एच जेड इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस जेड की पावर माइनस दिस इज़ द इनवर्स फंक्शन नाउ स्टूडेंट्स अब हम डिफरेंशियल डिकोडर की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास में तीन वैल्यू हैं एक वन है एक माइनस वन है एक ज़ीरो है एक अगर के जीरो है तो हमारे पास में जो इम्पल्स रिस्पॉन्स आएगा वो वन आएगा के की वैल्यू वन है तो यहाँ पे माइनस वन आएगा और अदरवाइज़ जीरो देखिए यहाँ पे आपको एक मेजर डिफरेंस ये देखने को मिल रहा है कि अगर के की वैल्यू वन है तो यहाँ पे माइनस वन मिला मींस हमने यहाँ पे डिफरेंस को कैलकुलेट किया और इसी फंक्शन को अगर हम यहाँ पे देखें जो रिस्पॉन्स फंक्शन था आपका एंग में कि अगर K की के की वैल्यू जीरो के इक्वल है तो यहाँ पे हमें वन मिल रहा है मीन्स यहाँ पे हम वैल्यूज़ को क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं नाउ स्टूडेंट्स और इसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन है डेट इज़ वन माइनस जेट की पावर माइनस देखिए अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसके मेजर एप्लीकेशंस क्या क्या हैं जो भी हमारी डिफरेंशियल कोडिंग होती है उसका जो बेसिक यूज़ है वो आपको सैटेलाइट्स में देखने को मिलेगा और जहाँ पे रेडियो रिले कम्युनिकेशन होता है स्टूडेंट्स सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ़ोन कम्युनिकेशन जहाँ पे रेडियो रिले कम्युनिकेशन होता है वहाँ पे हम डिफरेंशियल कोडिंग का एप एप्लीकेशन देखने को मिलेगा मीन्स वी कैन से डैट द डिफरेंशियल कोडिंग इज़ वाइडली यूज्ड इन सैटेलाइट एंड रेडियो रिले कम्युनिकेशंस। नाउ स्टूडेंट्स हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं देखिए इसमें मेजर ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एरर की मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलती है अगर हमारे पास में सिंपल एरर आता है तो इट्स ओके बट यहाँ पर हम करंट सिग्नल और प्रीवियस सिग्नल की जो भी वैल्यूज़ है जो हमारा बिट रेट है उसके डिफरेंस को हम कंसीडर करते हैं और सपोज़ हमारे पास में फोर्टी सिग्नल्स हैं तो फोर्टी सिग्नल्स को उनके प्रीवियस वैल्यूज से मैच करना होगा उनके डिफरेंसेस को कैलकुलेट करना होगा इट मीन्स यहाँ पे हमें कही न, कहीं ना कहीं मल्टीप्लायर फंक्शन मिलेगा और जो हमारा मल्टीप्लायर फंक्शन होगा उसमें अगर कोई एरर आती है तो हमें वहाँ पे एरर की मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलती है स्टूडेंट्स इफ़ वन सिंबल सच एज़ बाई वॉज रिसीव्ड अगर हमें एक सिंबल इनकरेक्टली रिसीव हुआ तो उससे हमें दो सिग्नल जनरेट हो रहे हैं एक हमें एक्स आई दूसरा एक्स आई प्लस वन डेट इज़ वी हैव टू यूज इन डिफरेंशियल डिकोडर आउटपुट जैसे कि मेरे पास में एक्स आई है एक्स आई इक्वल टू वाई आई प्लस वाई माइनस वन देखिए अगर वाई आई मुझे इनकरेक्ट रिसीव होगा तो ये दोनों वैल्यूज़ में मेरे पास में क्या आएंगी इनकरेक्ट आएंगी अब ये दोनों वैल्यूज़ मेरे पास में इनकरेक्ट आई तो मेरा पूरा का पूरा आउटपुट ही क्या हो गया इनकरेक्ट होगा मीन्स एक एरर आने से यहाँ पे हमें एरर की मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलती है स्टूडेंट्स इससे होता क्या है कि जो हमारा बी ई आर है मीन्स बिट एरर रेट वो डबल हो जाता है और सिग्नल टू नॉइज़ रेशो यहाँ पे क्या हो जाती है बढ़ जाती है मीन्स यहाँ पे हमें हायर फ्रिक्वेंसीज ज़्यादा मिलेंगी और हायर फ्रिक्वेंसीज़ ज़्यादा आने की वजह से जो हमारी वॉइस क्लैरिटी होगी ऑडियो की वो हमें नहीं मिल पाएगी जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं यहाँ पे दीज एरर्स रेयरली अकर्स इन कॉन्जिक्यूटिव सिम्बल्स देखिए ये ये जो एरर्स होते हैं सिग्नल टू नॉइज़ रेशो वाले ये आपके कॉन्जिक्यूटिव सिग्नल्स में नहीं देखने को मिलते हैं आपको ये ऐसे सिग्नल्स में देखने को मिलते हैं जो कंटिन्यूसली फ्लोट कर रहे होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एनालॉग सिग्नल्स स्टूडेंट्स होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर थैंक यू वेरी मच